और चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत अब 28 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत को नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। उन्होंने दलाल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की तबीयत ताहाल नासाज है। वो एक क्लिनिकल टीम की निगरानी में है और उनका इलाज मुआलजा जारी है, जबकि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट जमा कराई गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने अदालत को मजीद बताया है कि नवाज शरीफ ज़ेरे इलाज होने के बायस पाकिस्तान का सफर नहीं कर सकते हैं और रवां माह के आखिरी हफ्ते में उनके मुख्तलिफ चेकअप होने हैं। ताहम नवाज शरीफ सेहतयाब होते ही वतन वापस आकर ट्रायल का सामना करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता बरस माह नवंबर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी और अपने हुक्म में कहा था कि तिब्बी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है, जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ और ज़ाती मुआलज डॉक्टर अदनान के हमराह लंदन रवाना हो गए।